31 अक्टूबर को हुआ है, उसके बाद 1 और 2 3 नवंबर को हमारे फादर घर में ही छुपे रहे हैं, कोई आस पड़ोस वाला बता रहा है कुछ हो रहा है या कहीं पे कुछ हो रहा है, दंगे फैल रहे हैं, सरदारों को मारा जा रहा है। उसके बाद 2 नवंबर को रात को किसी ने हमारे घर आके कुंडी लगा दी, ताला मार दिया कि हम बताएंगे वो सरदार जी यहाँ पे है नहीं, चले गए यहाँ से। मगर जिन्होंने ताला लगाया था, मेरी मदर जो हमें बताते हैं कि उन्होंने अगले दिन सुबह सुबह आए, सुबह 6 बजे उन्होंने ताला तोड़ा और मेरे फादर साहब को मेरी मम्मी की आंखों के सामने कर दिया, खत्म कर दिया। सबने हमने मोहल्ले में मतलब कहा था कि आप सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम अपना कहीं जाने का भी यही था कि क्योंकि बाहर निकलते हैं तब भी रिस्क था, इस वजह से कहीं नहीं निकले हम। सारा दिन बीत गया, ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर रात को जिस से हमने प्लॉट खरीदा था उसी बंदे ने मेरे हस्बैंड को एक्सपायर कर दिया था। इसमें क्या था कि लोग बाहर से बहुत आ रहे थे, ट्रक भर भर के ना, बाहर से भी लोग थे, ये नहीं कॉलोनी के लोग थे, कॉलोनी के तो हमें तो बचाया, कॉलोनी के लोग हम कैसे कहते, कॉलोनी के लोग थे, हमारे घर में ही आ गए थे। पहले तो रात को आके उन्होंने बाल काट दिए और फिर सुबह 6 बजे एकदम से कितने सारे लोग आ गए और बाल खींच कर तो मेरी मम्मी बता रही कि मेरे फादर घायल कर दिया था, पूरा जख्मी हो चुके थे, वो सांस ले रहे थे, बोल कह रहे सरदार सांस ले रहा है, उन्होंने उसके पेट में उस टाइम खींच के लोहा मारा, आग लगा दी, देश का सामान जो भी सारा जल गया हमारा, तो उसमें हमारे डैडी जी की डेथ हुई थी। ऊपर हमारे डैडी जी ऊपर मतलब सेकंड फ्लोर पे थे, तो सारे वहीं थे, हमारे मामा जी बापू जी और हमारे कम से कम 10-12 जी थे हमारे। तो उसके बाद तो पूरे मेरे पर को ले गए, मुझे नहीं पता कहाँ ले गए, मैंने आज तक नहीं देखा कौन कौन था कुछ नहीं। बस ये मेरी मदर बताते कि पुलिस वाले सामने खड़े हुए थे, वो कह रहे हैं जो करना करो, चाय पी रहे थे वो, जो कि चाय भी हमारे पड़ोसी वाले दे रहे थे जो उस टाइम। फिर वो मिलिट्री वाले आ गए थे, मेरे को हॉस्पिटल ले गए, मेरे को गुरुवारी भेज दिया था, फिर हॉस्पिटल में ही उनकी डेथ हो गई थी। कैंप लग गए ना रानी बाग, उधर ले गए, उधर 4-5 दिन रहे, फिर गाड़ियाँ आ गया, फिर घरों में छोड़ गए, उसके बाद फिर नानक पे गुरुद्वारे में रहे 1 साल। छोटे बच्चों को आप देखो एक कैसे पालना अकेली औरत के लिए कितना मुश्किल है। मेरी बहन है, उनकी आज तक शादी नहीं हुई दोनों की, अगर हमारे फादर साहब होते तो वो अच्छा रिश्ता देखते, सब कुछ करते और मुझे भी सेटल करते, आज तक मैं सेटल नहीं हो पाया अपनी लाइफ में। कम से कम उन्हें माँ बाप का डर तो होता, तो हम बच्चे काम जब हो सकते हैं, बाप पता सिर में, मेरा तो बच्चा सीधा सा एक, दो बच्चे ऐसे और कौन काम नहीं करता, कुछ नहीं करता। इंसाफ तो खैर मिल ही नहीं सकता इस कौम को ना, ये कभी इंसाफ मिला आज तक, जितने भी वाक्य हुए आज से पहले भी कभी आज तक इंसाफ नहीं मिला, इस बात को लेकर मैं मानता हूँ। सब लोग तमाशा देखने वाले होते हैं, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अगर इनके घर में आग लगी तो इसको ठंडी करें, नहीं, लोग सोचते चलो और गर्म होंगे,